हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय पटेल और मेरी वाइफ तृप्ति पटेल। आज का टॉपिक ये है कि हम अपने बच्चों को अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना और वो अपनी हेल्थ में उनको कभी भी मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत ना पड़े या डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े, ये हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो इसका एक सीक्रेट मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं या जो भी एनवायरनमेंट का चेंज होता है उससे फाइव एलिमेंट्स का जो बैलेंस है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हमने पहले हम दोनों ने फाइव एलिमेंट्स को किस तरीके से बैलेंस करना है और मेडिसिन और डॉक्टर के डिपेंडेंस नहीं रहना है, जब ये चीज़ की मास्टरी हमने की, हम दूसरों को सिखाने लगे, फिर यही एक्सपेरिमेंट हमने बच्चों के ऊपर किया, बच्चों को भी वो समझ में आने लगा कि कब क्या खाने से बॉडी में क्या इम्बैलेंस होता है और क्या चीज़ करने से वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपके बच्चों के बॉडी में या शरीर में आया है उसको आप नेक्स्ट दिन में ही करेक्ट कर लो तो वो बीमारी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही चीज़ बच्चों को हम फर्स्ट सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं कि फाइव बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, खुद की बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद कैसे लेते हैं। ये बच्चे अगर सीख गए तो पेरेंट्स को बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ा टेंशन कम हो सकता है। ये वन ऑफ द टॉपिक आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे। उम्मीद है अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मंथ में जो हम बच्चों को सिलेबस में सिखाते हैं उसका एक वन ऑफ द मेन टॉपिक है। थैंक यू।